जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। दोस्तों अभी अभी SSC CHSL 18 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने उन प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। जी फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी एग्जाम है जो जिसका पेपर दोस्तों आप देने वाले हैं तो भाई आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो भाई पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भाई करंट अफेयर से। जी हाँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था भाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर किसको मिला है तो ये आप सभी जानते हैं भाई, ये मिला है अमिताभ बच्चन जी को। जी हाँ फ्रेंड्स, 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये भाई मिला है अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी को दोस्तों 2019 का मिला है। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हुई है तो यहाँ पर दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सबसे पहला दिया गया था वो किसे दिया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई वो दिया गया था देविका रानी को। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था देविका रानी जी को दिया गया था। और दादा साहब कौन है भाई, ये दादा साहब वो हैं जिन्होंने भाई फिल्म जगत की शुरुआत की थी सन 1913 में। तो दोस्तों इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। अगर दोस्तों आपसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में तो इससे दोस्तों आप इतना जरूर याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई वो पूछा गया था आपके करंट अफेयर से। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई वर्तमान में सीडीएस कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई दिसंबर 2019 में सीडीएस की दोस्तों अभी अभी नई नियुक्ति हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं ये है, इनका नाम है दोस्तों विपिन रावत। जी फ्रेंड्स, विपिन रावत अभी वर्तमान में सीडीएस बनाए गए हैं। अब दोस्तों आपसे इसके अलावा ये भी पूछा सकता है कि वर्तमान में भाई हमारे आर्मी चीफ कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो आप सभी जानते हैं, वो है भाई यहाँ पर मनोज मुकुंद नरवाने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नरवाने होना चाहिए था, एन यहाँ पर लिख लीजिएगा, मनोज मुकुंद नरवाने, यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एयरफोर्स के यहाँ पर कौन है। तो दोस्तों एयरफोर्स के जो चीफ है वो है आर के एस भदौरिया जी। और दोस्तों नेवी के चीफ आपसे पूछा जा सकता है तो भाई ये है एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतना दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों वो पूछा गया था भाई साइंस से। जी हां फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक रे की खोज दोस्तों किसने की थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों फोटो इलेक्ट्रॉनिक रे की जो खोज की थी वो की थी भाई हेनरिक रुडोल्फ हार्टेज ने। इतना दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके 18 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इसी में से एक या दो क्वेश्चन आपके भाई सेकंड शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों ये है भाई आपका कजाकिस्तान। जी हां फ्रेंड्स, कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जी हां फ्रेंड्स, और दोस्तों आपसे ये तो पूछ लिया कि भाई विश्व में कौन है। अब दोस्तों आपसे अगर भारत में पूछा जाए कि भाई भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो भाई वो है आंध्र प्रदेश। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम का राज्य है। जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का वो है भाई आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई गौर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है, ये क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों थोड़ा टफ लेवल का पूछा गया था कि भाई गौर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो भाई यह है क्रिकेट से। ये फ्रेंड्स, क्रिकेट से यह ट्रॉफी संबंधित है। और दोस्तों अभी हाल ही में 2019 में बेन स्टॉक को इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगर दोस्तों भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल को दोस्तों अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो पेपर होते हैं, आपके जो भी एग्जाम होते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको स्टडी फॉर जीनियस पर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम 18 की सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों यहां पर एनालाइज करने वाले हैं, तो भाई उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गौर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो भाई ये है क्रिकेट से। दोस्तों हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी जरूर बताते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है नेक्स्ट दोस्तों आपके जो शिफ्ट है उसमें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों करंट अफेयर से पूछा गया था। दोस्तों करंट अफेयर से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई करंट अफेयर को थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाइएगा। तो भाई करंट अफेयर से हमारा क्वेश्चन था कि एशियन यूथ गेम्स का दोस्तों कहाँ पर अभी अभी यहाँ पर आयोजन किया गया है 2017 में। तो 2017 का दोस्तों पूछा गया था, ये यहाँ पर जो आपके गेम होते हैं ये 4 साल में दोस्तों दोबारा आयोजन किए जाते हैं। तो भाई 2017 का आपसे पूछा गया था, तो 2017 में दोस्तों हुए थे ये आपके हम्मन टोटा श्रीलंका में। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, ये दोस्तों इसका थर्ड एडिशन था, ये 2017 में दोस्तों हुए थे कहाँ पर, हम्मन टोटा श्रीलंका में। अब दोस्तों जो नेक्स्ट होंगे ये भाई होंगे आपके चाइना में 2021 में, और इसका ये चौथा एडिशन होगा। तो इतना दोस्तों आपको इससे इतनी जानकारी मिल जाती है इस क्वेश्चन से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। जी फ्रेंड्स अभी अभी 2020 में थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है, वो है भाई यहाँ पर गुवाहाटी असम में। जी फ्रेंड्स गुवाहाटी असम में दोस्तों इनका आयोजन किया गया है, गुवाहाटी असम में थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी असम में। इतना दोस्तों आपको याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भाई आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से। अब दोस्तों आपके जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो है भाई 4। अब दोस्तों ऑप्शन में कौन से यहाँ पर आपके क्वेश्चन थे, यानी कि ऑप्शन में कौन से दोस्तों इनमें से गवर्नर थे वो दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में। इनके नाम दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर है बीपी कानून गो, और दोस्तों एनएस विश्वनाथन, और महेश कुमार जैन, एंड दोस्तों और चौथे हैं माइकल पात्रा। और दोस्तों यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं भाई शक्तिकांत दास दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप बात हुई है आरबीआई की, तो भाई आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई है दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी भाई वो होती 1935 में। जी फ्रेंड्स 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर भाई, वो है भाई मुंबई में। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। आरबीआई की जो मुख्यालय है वो है भाई मुंबई महाराष्ट्र में। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और इसका दोस्तों ये जो इस राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था भाई 1955 में, इतना दोस्तों सॉरी 1949 में, सॉरी दोस्तों 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1949 में इसका दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 अप्रैल 1949 को। तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो पूछा गया था आपके यहाँ से पॉलिटी से। जी फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसका जो आर्टिकल है भाई वो है 360। और दोस्तों आपसे यहाँ पर और कुछ आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। जो 352 है वो भाई आर्टिकल संबंधित है नेशनल इमरजेंसी से। जी फ्रेंड्स और 356 संबंधित है भाई प्रेसिडेंट रूल से। जी फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रपति के जो रूल होते हैं उनसे संबंधित है, 356 352 है नेशनल इमरजेंसी से। तो इतना आप दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भाई पूछा गया था करंट अफेयर से। जी फ्रेंड्स करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई करंट अफेयर को थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि भाई यहाँ पर जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किन व्यक्तियों को यहाँ पर मिला है। तो भाई ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन से यहाँ पर ये इनपे नाम थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये नाम है भाई जेम्स पीबल्स, दूसरा है मिशेल मेयर, और तीसरा है भाई डीडीआर क्यूलॉज। अब दोस्तों इनमें से आपसे पूछा सकता है कि भाई फिजिक्स में इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनमें दोस्तों आपके 3 ऑप्शन होंगे, और दोस्तों चौथा ऑप्शन और कोई सा होगा जिनमें दोस्तों आपको पहचानना होगा। ये दोस्तों ऑप्शन पर डिपेंड करता है। और दोस्तों इन्होंने सौरमंडल के बाहर नए ग्रह की खोज के लिए इन्हें यहाँ पर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्तों वो थोड़ा मुझे यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका संबंध आपके मुद्रा से है। जी फ्रेंड्स इसमें मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई थी भाई, तो मुद्रा की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मुद्रा इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफ्लेंस एजेंसी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है कि 1 GB में कितनी MB होती है। तो भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था कि भाई 1 GB में यहाँ पर 1024 MB यहाँ पर होती है 1 GB में। अगर दोस्तों आप फोन यूज करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से पता होगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई यहाँ पर ये करंट अफेयर्स से नहीं दोस्तों, लेकिन करंट अफेयर्स से आप जोड़ सकते हैं कि डायनामाइट इन्वेंशन की दोस्तों जो खोज की थी वो किसने की थी, ये की थी भाई अल्फ्रेड नोबल ने। इनकी याद में दोस्तों नोबल पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो था भाई जो कथक डांस है, जी हाँ फ्रेंड्स जो कथक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है, तो भाई ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से कथक डांस संबंधित है। और दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो था भाई न्यूमोर आइसलैंड, ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई ये है बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में स्थित है न्यूमोर आइसलैंड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भाई है आईबीएम के सीईओ, सीईओ कौन दोस्तों, आईबीएम के सीईओ कौन है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है भाई गिनी रोमेटी। जी हाँ फ्रेंड्स गिनी रोमेटी आईबीएम के सीईओ है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों बहुत बार पूछा गया, ये दोस्तों आपके 17 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि भाई ब्राजील के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों ये हैं जियर मेसेल बोल्सोनारो। ये फ्रेंड्स जियर मेसेल बोल्सोनारो ये ब्राजील के प्रधानमंत्री है। और दोस्तों इन्हें बार बार क्यों पूछा है भर्ती बोर्ड, तो इसलिए पूछ रहा है कि भाई ये 2020 में, जी फ्रेंड्स 2020 में ये 26 जनवरी पर यहाँ पर महत्वपूर्ण सबसे अतिथि रहे थे। जी फ्रेंड्स 2020 में जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें दोस्तों ये महत्वपूर्ण गणतंत्र यहाँ पर अतिथि रहे थे, तो इसलिए दोस्तों इनका नाम यहाँ पर बार बार पूछा जा रहा कि ब्राजील के प्रधानमंत्री कौन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारे पास 18वां क्वेश्चन है, दोस्तों ये थोड़ा मेरे पास सही से नहीं आया है, लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूछा गया था स्टील इन ए कॉस्टली वे, तो इसका राइट आंसर था फिलिच। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर मेरे पास जो क्वेश्चन नहीं आए हैं प्लीज दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपको पता है तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 18 ही क्वेश्चन यहाँ पर पहुंच पाए हैं, यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके में। अगर दोस्तों आपको पता है तो भाई मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं पहुंच पाए हैं। और दोस्तों जैसे ही मेरे पास कोई भी कमेंट करता है तो तुरंत मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन अभी जो मैंने नहीं बताया है उसे मैं दोस्तों अगली जो शिफ्ट होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। स्टडी फॉर जीएस पर दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही वो चैनल है जो आपके सामने बिल्कुल रियल कंटेंट लाता है, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी फ्रेंड्स अगर प्लीज आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि दोस्तों आपकी वजह से ही दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि भाई ऑफलाइन पेपर हुआ हो और मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूं, ऑनलाइन पेपर हुआ है दोस्तों जो विद्यार्थियों ने मुझे बताया है वही दोस्तों मेरे पास यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।